ईरानी महिला महसा अमीनी की मौत ईरान के लिए बड़ी मुसीबत लेकर आई और अब लग रहा है कि हिजाब पर विवाद अभी हर दिन के साथ और बढ़ेगा। अब हिजाब प्रदर्शन के बीच ईरान ने सऊदी अरब को धमकी दे दी है। इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के कमांडर इन चीफ जनरल हुसैन सलामी ने कहा कि सऊदी अरब ईरान के युवाओं के साथ मीडिया गेम खेल रहा है, इसलिए हम उन्हें इसे लेकर चेतावनी दे रहे हैं। जनरल सलामी ने कहा कि वो खुलेआम हमारे यूथ को भड़का रहे हैं, हम उन्हें इन मीडिया चैनलों पर कंट्रोल करने की सलाह देते हैं, नहीं तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। तुम ऐसी जगह दखल दे रहे हो जहां तुम खुद सवालों से घिर सकते हो, इसलिए बेहतर है कि सावधान रहो। दरअसल पिछले कई सप्ताह से ईरान में पुलिस कस्टडी में महसा अमीनी की मौत को लेकर हिंसक प्रदर्शन जारी हैं। काफी संख्या में प्रदर्शनकारियों की मौत भी हो चुकी है। ईरान की सरकार इस प्रदर्शन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी हद तक दबाने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन इसके बावजूद विदेशी मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए लोग लगातार इस प्रदर्शन की जानकारी ले रहे हैं। काफी ईरानी अधिकारियों का मानना है कि ये सब बाहरी मीडिया चैनल्स के कारण हुआ है। इन मीडिया चैनल्स में लंदन बेस्ड ईरान इंटरनेशनल न्यूज चैनल भी शामिल है, जिसको लेकर ईरान का कहना है कि इस चैनल को सऊदी अरब फंड कर रहा है। अब इस बीच ईरानी सांसद सैयद महमूद नबावियान ने ईरान के विदेश मंत्रालय से उन सभी देशों खासतौर पर सऊदी अरब के खिलाफ कानूनी शिकायत दर्ज करने की मांग की है जो ईरान के खिलाफ मीडिया चैनल चला रहे हैं। ईरानी सांसद ने बताया कि साइबर स्पेस पर नजर रखने की जरूरत है, गलत खबरों के खिलाफ खड़ा होना जरूरी है। साइबर स्पेस में छपी जा रही खबरें न सिर्फ पब्लिक ओपिनियन को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही हैं, साथ ही काफी लोगों को शारीरिक और वित्तीय नुकसान भी पहुंचा रही है। बता दें कि पिछले कुछ सप्ताह से ईरान को भयंकर साइबर वॉर से जूझना पड़ रहा है। ईरानी अधिकारियों का आरोप है कि ये बाहरी देशों से संचालित किया जा रहा है। स्टैनफोर्ड इंटरनेट ऑब्जर्वेटरी की हाल ही में आई स्टडी के अनुसार अमेरिका की ओर से ईरान, चीन और रूस के खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन चलाए जा रहे हैं, जिससे उनके पब्लिक ओपिनियन पर प्रभाव डाला जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।